तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली सरकार के अधिकारों के लिए कर रहे थे प्रदर्शन और अधिकार कम करने का विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लखनऊ पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। केंद्र सरकार के लाए कानून के विरोध में उतरे थे कार्यकर्ता, तो 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि लखनऊ में आम आदमी पार्टी पर जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया है। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा भी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है। तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और दिल्ली सरकार के अधिकारों के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अरे यार, आईडी दिखाओ तो। रोल है, रोल। वैभव जी, क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये परसों दिल्ली में संसद के अंदर एक ऐसा बिल लाया गया भाई, मेरी आईडी जिसके चुनी हुई दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने की बात की गई है, जो कि एक बेहद अलोकतांत्रिक कदम है। इस देश में लोकतंत्र वाला देश है, यहाँ पर नेताओं का बराबर सम्मान है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार है, 3 बार की चुनी हुई सरकार है, जनता की बहुत लोकप्रिय सरकार है, जो कि बिजली पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर अभूतपूर्व कार्य कर रही है। देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। सरकार के भाजपा की वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल है, उनकी पार्टी घोर अलोकतांत्रिक कदम का पूरे देश में विरोध कर रही है और लोकतांत्रिक ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मानती है।